आईएएस ऑफिसर का पद कई युवाओं को काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगता है। शायद इसी वजह से हर साल यूपीएससी का फॉर्म लाखों स्टूडेंट्स द्वारा भरा जाता है। आईएएस ऑफिसर की पोस्ट काफ़ी पावरफुल भी होती है और इसमें जो सैलरी मिलती है वह भी काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएएस ऑफिसर को हर महीने कितनी सैलरी मिलती है, इसके साथ ही आईएएस ऑफिसर को कितने सालों पर किन किन अलग रैंक्स में प्रमोशन मिलता है और उस दौरान उनकी सैलरी कितनी होती है, यह भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम पास करने के बाद आईएएस के रूप में चयनित सभी उम्मीदवारों की ट्रेनिंग लबासना मसूरी में होती है। 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आईएएस ऑफिसर को जो पहली पोस्ट मिलती है वह होती है असिस्टेंट कलेक्टर या एसडीएम की पोस्ट। कई राज्यों में एसडीएम को एसडीओ भी कहते हैं। एसडीएम के रूप में आईएएस ऑफिसर को 56,100 रुपये की बेसिक पे मिलती है। इसके साथ ही डियरनेंस अलाउंस भी मिलता है जो कि 19,100 रुपये का होता है। हालांकि आईएएस ऑफिसर को जो हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता है क्योंकि उन्हें सरकारी आवास और सरकारी गाड़ियां मिली हुई होती हैं। तो इस तरह एसडीएम की सैलरी की अगर हम बात करें तो उन्हें 72,200 रुपये मिलते हैं। हालांकि इस सैलरी में एनपीएस के लिए 10% डिडक्शन होता है। तो इस तरह जो एसडीएम की इनहैंड सैलरी होती है वह होती है 67,680 रुपीस। एसडीएम के रूप में 2 साल की सर्विस पूरी करने के बाद आईएएस ऑफिसर का एडीएम यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल कलेक्टर या फिर डीडीसी यानी कि डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर के रूप में प्रमोशन हो जाता है। कई राज्यों में एडीएम को एडीसी भी कहा जाता है। एडीएम के रूप में आईएएस ऑफिसर को 67,700 रुपीस का बेसिक पे मिलता है। इसके अलावा 23,000 रुपये का डीए भी उन्हें मिलता है। अगर एडीएम की टोटल इनहैंड सैलरी की बात करें तो पूरी डिडक्शन के बाद उन्हें जो हर महीने सैलरी मिलती है वो है 81,630 रुपीस। एडीएम लेवल 11 का पोस्ट होता है। 2 साल तक एडीएम के रूप में कार्य करने के बाद आईएएस ऑफिसर का प्रमोशन डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में हो जाता है। हालांकि पहले आईएएस ऑफिसर को छोटे डिस्ट्रिक्ट का डीएम बनाया जाता है। कई स्टेट्स में डीएम को डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से कुल 4 साल की सर्विस पूरी करने के बाद आईएएस ऑफिसर को डीएम का पद मिल जाता है। छोटे जिलों का डीएम लेवल 12 का पोस्ट होता है। आईएएस ऑफिसर छोटे जिलों के डीएम के रूप में 78,800 रुपीस का बेसिक पेपर उसे मिलता है। इसके साथ ही साथ 26,800 रुपये का डियरनेस अलाउंस भी उसे मिलता है। इस तरीके से डिडक्शन के बाद डीएम की टोटल सैलरी 95,000 हो जाती है। छोटे जिले के डीएम के रूप में 5 साल तक काम करने के बाद आईएएस ऑफिसर का प्रमोशन स्पेशल सेक्रेटरी या बड़े जिले के डीएम के रूप में हो जाता है। यह लेवल 13 का पोस्ट होता है। आईएएस ऑफिसर को डीएम के रूप में 118,500 रुपये का बेसिक पे और 40,300 रुपये का डीए मिलता है। तो इस तरीके से पूरे डिडक्शन के बाद डीएम को हर महीने 142,920 रुपये मिलते हैं। आईएएस ऑफिसर को इस पद तक पहुंचने में तकरीबन 9 साल का समय लग जाता है। डीएम के रूप में 6 साल तक काम करने के बाद आईएएस ऑफिसर का प्रमोशन डिविजनल कमिश्नर या सेक्रेटरी के तौर पर हो जाता है। डिविजनल कमिश्नर के कंट्रोल में 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। वहीं जिन आईएएस ऑफिसर को डिविजनल कमिश्नर का पोस्ट नहीं मिलता उन्हें इसी पोस्ट के बराबर स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट में से किसी भी एक डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बना दिया जाता है।
कई दूसरे स्टेट्स में सेक्रेटरी को कमिश्नर भी बोला जाता है, जैसे यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और भी कई सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हेड को सेक्रेटरी की जगह कमिश्नर बोला जाता है। यह सभी लेवल 14 की पोस्ट होती है। लेवल 14 की इन पोस्ट पर आईएएस ऑफिसर को 1,44,200 रुपये का बेसिक पे और 49,000 रुपीज़ का डीएनएस अलाउंस मिलता है। इस तरीके से 10% एनपीएस डिडक्शन के बाद आईएएस ऑफिसर की टोटल इनहैंड सैलरी हो जाती है 1,73,880 रुपीज़। सेक्रेटरी या डिविजनल कमिश्नर के तौर पर 8 साल तक काम करने के बाद आईएएस ऑफिसर का प्रमोशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर हो जाता है। इस पद पर पहुंचने में आईएएस ऑफिसर को 23 साल का लंबा समय लग जाता है। इसमें आईएएस ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट में से किसी एक डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। वहीं जिन आईएएस ऑफिसर का प्रीवियस वर्क परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा हो तो उन्हें गवर्नर या चीफ मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया जा सकता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर आईएएस ऑफिसर को 1,82,200 रुपये का बेसिक पे और 61,950 रुपीज़ का डीए भी मिलता है। तो इस तरीके से टोटल डिडक्शन के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हर महीने 2,19,745 रुपये प्राप्त होते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में 5 साल तक कार्य करने के बाद आईएएस ऑफिसर का प्रमोशन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट पर हो जाता है। ये पूरे स्टेट में आईएएस ऑफिसर के रूप में दूसरा सबसे पावरफुल पोस्ट माना जाता है। कई स्टेट्स में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सिर्फ एक ही पोस्ट होती है। वहीं कई ऐसे स्टेट्स भी होते हैं जहां 4 से 5 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नियुक्ति होती है, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे राज्य भी होते हैं जहां एक भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति नहीं होती। ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वह इस पोस्ट पर किसी की नियुक्ति करें या नहीं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को 2,05,400 रुपये का बेसिक पे और 69,800 रुपीज़ का डीएनएस अलाउंस मिलता है। टोटल डिडक्शन के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को हर महीने 2,47,680 रुपीज़ की सैलरी मिलती है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रूप में 3 साल तक काम करने के बाद आईएएस ऑफिसर का प्रमोशन चीफ सेक्रेटरी के पद पर हो जाता है। इस पोस्ट तक पहुंचने में आईएएस ऑफिसर को तकरीबन 31 साल का काफ़ी लंबा समय लग जाता है। चीफ सेक्रेटरी लेवल 17 का पोस्ट होता है। एक स्टेट में एक ही चीफ सेक्रेटरी होता है और इससे पूरे राज्य में आईएएस ऑफिसर के रूप में सबसे पावरफुल पोस्ट माना जाता है। ऐसा इसलिए कि पूरे स्टेट में जितने भी आईएएस ऑफिसर होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी के नीचे ही काम करते हैं। चीफ सेक्रेटरी को 2,25,000 रुपये का बेसिक पे और 76,500 रुपीज़ का डीएनएस अलाउंस मिलता है। 10% एनपीएस डिडक्शन के बाद चीफ सेक्रेटरी को हर महीने 2,71,350 रुपीज़ की सैलरी मिलती है। चीफ सेक्रेटरी के रूप में 2 साल तक कार्य करने के बाद आईएएस ऑफिसर को सेंट्रल डेप्यूटेशन पर भेज दिया जाता है। यहाँ आईएएस ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी मिनिस्ट्रीज़ में से किसी एक मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बना दिया जाता है, जैसे पावर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सिविल एविएशन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, शिपिंग सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जैसे कई नेशनल लेवल के पोस्ट होते हैं। हालांकि ये सभी पोस्ट लेवल 17 के ही होते हैं, इस वजह से इन्हें चीफ सेक्रेटरी के बराबर ही सैलरी मिलती है। आईएएस ऑफिसर को केंद्र सरकार के इनमें से 2 से 3 मंत्रालयों में 3 साल का एक्सपीरियंस प्राप्त होने के बाद उनका प्रमोशन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के पद पर कर दिया जाता है। ये लेवल 18 का पोस्ट होता है। यह पोस्ट काफ़ी कम ही आईएएस ऑफिसर को मिल पाता है, क्योंकि इस पोस्ट तक काफ़ी कम आईएएस ऑफिसर ही पहुंच पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले तो आईएएस ऑफिसर का प्रीवियस वर्क परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए और उनका पूरा पास्ट करियर बेदाग होना चाहिए। दूसरा, आप काफ़ी कम एज में आईएएस ऑफिसर बन जाएँ। ऐसा इसलिए क्योंकि देखा गया है कि 27 साल की उम्र के बाद जो लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं वह मैक्सिमम चीफ सेक्रेटरी के पद पर ही जाकर रिटायर्ड हो जाते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी आईएएस का टॉप लेवल का पोस्ट होता है। आईएएस में इससे बड़ा पोस्ट और कोई नहीं होता। अगर कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी की बात करें तो टोटल डिडक्शन के बाद इन्हें हर महीने 3,01,500 रुपये का वेतन मिलता है।
तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।